सो हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम सेक्स एजुकेशन के सीज़न 3 के फाइनल एपिसोड एपिसोड 8 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। पिछले 7 एपिसोड्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, सो पहले उसे चेकआउट कर लीजिए फिर इस वीडियो को देखना। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स फील द इंट्रो। एपिसोड 8 की शुरुआत पुट्टी से होती है, जो हॉस्पिटल में उसकी मॉम का वेट कर रहा होता है। पर यहाँ उसे पता चलता है कि सर्जरी की वजह से उसकी मॉम का एक्स्ट्रा ब्लड फ्लो हो गया है और उनके अभी सर्जरी चल रही है और कुछ कहा नहीं जा सकता एज कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है। यहाँ ओटी सैरी को बता देता है कि उसके और मेव के बीच में अब सब कुछ ठीक हो गया है और मे बी वो अब डेट करें। इतने में डॉक्टर वहाँ आ जाते हैं और वो ओटिस को बताते हैं कि कंडीशन बहुत ही सीरियस है, पर वो अपनी बहन से मिल सकता है। जिसके बाद ओटिस अपने बहन से मिलता है और उसके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करता है। फिर सीन शिफ्ट होता है मीव के ऊपर, जो पिछले रात को लेके बहुत ही एक्साइटेड और खुश होती है। थोड़ी देर बाद एलसी की नई मॉम वहाँ आती है और वो मीव को बोलती है कि वो वहाँ रह सकती है। एज अगर मीव वहाँ रहेगी तो उसकी बहन एलसी को भी वहाँ पे रहने में कम्फर्टेबल फील होगा और यहाँ मीव रहने के लिए मान जाती है। इसके अलावा मीव उन्हें बताती है कि वह अमेरिका नहीं जाएगी आज, उसके पास पैसे नहीं है और उसका वैसे भी कोई प्लान नहीं है अमेरिका जाने का। फिर सीन शिफ्ट होता है स्कूल पे, जहां वीव अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ एंट्री कर ली होती है और यहाँ आई थिंक कि पूरे सीरीज का मोस्ट फनीस्ट सीन था। एज वो अपने बॉयफ्रेंड से बात करते करते आगे जा रही होती है, पर उसने आगे नहीं देखा होता कि डस्टबिन है और उसके अंदर गिर जाती है, और लिटरली बहुत फनी सीन था। एज एडम का ब्रेकअप हो गया होता है, वो एरिक को भुलाने के लिए दूसरे कामों में इंटरेस्ट लेने लगता है और वो ओबीडियंस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने का डिसीजन लेता है, जिसमें वो और उसकी पेट मैडम पार्टिसिपेट करेंगे और वो शो देखने के लिए सभी को इनवाइट करता है, जिनमें शामिल होते हैं उनकी इंग्लिश टीचर, और वो मलिक को भी शो देखने के लिए इनवाइट करता है। यहाँ स्कूल में एक बच्चा दौड़ दौड़ के आके सबके सामने चिल्ला के बोलता है कि होप चली गई, जिसके बाद सभी बच्चों का रिएक्शन देखने लायक था। सभी बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं एज उन्हें उनकी फ्रीडम वापस मिल गई। इसके बाद उनके म्यूजिकल टीचर वहां आते हैं, जिन्हें स्टूडेंट्स आइडिया देते हैं कि उन्हें अब हेडमास्टर के पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहिए। यहाँ केमिस्ट्री क्लास में मीव पढ़ रही होती है, पर उसकी मॉम उसे खिड़की से उसे बुला रही होती है। अगर आपको याद हो तो ऐसा सीन हमने सीजन 2 में भी देखा था, जहाँ ओटिस क्लास में होता है और बाहर उसे रूबी बुला रही होती है। खैर, यहाँ मीव की मॉम उसे बुलाकर उसके हाथ में बहुत सारे पैसे देते हैं। मीव के पूछने पर कि ये पैसे का वो क्या करेगी, उसकी मॉम उसे बोलती है कि ये पैसे लेकर वो अमेरिका जाएगी और वहाँ अपनी ड्रीम लाइफ एंजॉय करेगी। यहाँ मीव की मॉम उसे माफ कर देती है और बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है स्कूल पर, यहाँ सभी बच्चे वन बाय वन आके लिली से ऑटोग्राफ ले रहे होते हैं एज उसकी स्टोरी अभी वायरल चली गई होती है। फिर हमें स्कूल का हॉल दिखाया जाता है, जहाँ मेन ब्रांच का प्रिंसिपल आया होता है और सभी को बताता है कि एज सभी ने कल वाला कांड किया था, उसके वजह से इन्वेस्टर्स ने उनके स्कूल के ऊपर इन्वेस्ट नहीं किया है और अब मॉडल को डेवलपर्स खरीद लेंगे, और बेसिकली सबकी लग चुकी थी एज उन्हें अपनी स्कूलिंग किसी और तरीके से कम्प्लीट करनी पड़ेगी। यहाँ सभी बच्चों को लगता है कि उन्होंने कल जो भी किया वो गलत किया, पर यहाँ उनकी टीचर उन्हें समझाती है कि दिल की बात कोई बाहर निकालने से बुरा नहीं हो जाता। और यहाँ क्लास के बाद एडम से मिलने एरिक आता है। एडम यहाँ उसे अच्छे से बात नहीं करता, पर एरिक उससे बात करने की कोशिश करता है और उसके साथ घर चलने के लिए बोलता है। रास्ते में दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और यहाँ एडम एरिक को पूछता है कि एरिक ने उसके साथ ऐसा क्यों किया, मतलब उसे चीट क्यों किया, और यहाँ एरिक बोलता है कि उसे खुद नहीं पता कि उसने कैसे किया और उसने जो किया है उसके लिए वो शर्मिंदा है। दोनों के बीच में बहुत बहस होती है और यहाँ एरिक गुस्से में आके बोल देता है कि उसने जो भी कहा वो बिल्कुल सच कहा और उसे अपने किए पे बिल्कुल भी शर्मिंदगी नहीं है। और यहाँ वो ये भी बोलता है कि वो एडम के साथ रह के फ्री नहीं है और अब उन दोनों के रास्ते अलग अलग हैं और यहाँ इन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें ओटिस को दिखाया जाता है, जो अपनी मॉम के साथ पास्ट की बातें कर रहा होता है और बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। यहाँ ओटिस अपनी मॉम से माफी मांगता है उसे गुस्सा होने के लिए और रूडली बात करने के लिए, और ओटिस यहाँ अपनी मॉम को प्रॉमिस करता है कि आगे से वो ऐसा कभी भी नहीं करेगा। यहाँ हॉस्पिटल में मिसेस होप भी आई होती हैं, जिन्होंने अब स्कूल से रिजाइन कर दिया होता है। वो ओटिस के साथ बात करती हैं और थोड़ी देर बात करने के बाद
वो अपनी प्रॉब्लम्स ओटिस को बताने लगती हैं। वो बताती हैं कि वो कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती और वो अपने आप को एक लूजर समझती हैं। जिसके बाद ओटिस उन्हें समझाता है और उन्हें कहता है कि वो हिम्मत ना हारे। यहाँ ओटिस की मॉम जीन मिलबर्न को एक डीएनए रिपोर्ट मिलती है, जिसे खोलने के बाद वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती हैं। और उन्होंने क्या पढ़ा वो तो हमें सीजन 4 में ही पता चलेगा, पर उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने अभी तक 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट नहीं किए हैं। और तुम जो वीडियो देख रहे हो, अगर तुमने एक सब्सक्राइब किया तो मैं जल्दी ही 500 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर लूँ। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे जैसे छोटे छोटे यूट्यूबर्स को सपोर्ट करें, थैंक यू। यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हमें एडम ग्रॉफ दिखाया जाता है, जो उसकी पेट मैडम के साथ ओबीडियंस कंपटीशन के लिए पार्टिसिपेट कर रहा होता है और उसकी बारी आने पर वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म भी करता है। और उसे चेयर करने उसकी इंग्लिश टीचर और उसकी मॉम आई होती हैं। रिजल्ट्स आने के बाद हमें पता चलता है कि एडम जीता तो नहीं है, पर जजेस उसकी बहुत ही ज्यादा तारीफ करते हैं। और यहाँ से हमें ये पता चलता है कि लाइफ में आपको बस ट्राई करना है, रिजल्ट्स आपके मेहनत के ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ एडम बहुत ही खुश हो जाता है और उसे पता चल जाता है कि उसे वही चीज करनी है जिस चीज में वो माहिर है। फिर सीन शिफ्ट होता है मीव पर, जो अपना सामान लेने कैरावान में आई होती है। वहाँ उसे आइजैक मिलता है। यहाँ आइजैक उसे थैंक यू बोलता है उसके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए, पर यहाँ मीव उसे बोलती है कि वो हमेशा आइजैक को याद रखेगी और वो चाहती है कि वो उसके लाइफ में हमेशा रहे, पर एक अच्छे दोस्त की तरह, समझ रहे हो। घर आने पर मीव बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हो जाती है, वो डिसाइड नहीं कर पाती कि उसे असल में अमेरिका जाना भी है कि नहीं। और यहाँ एमी आ जाती है, जो उसे पूछती है कि वो अमेरिका जा रही है कि नहीं। यहाँ मीव एमी को बताती है कि वो अमेरिका नहीं जा रही। आज बहुत मुश्किल से उसके और ओटिस के बीच में सब कुछ सही हुआ है और वो सब कुछ बिगाड़ना नहीं चाहती। यहाँ एमी मीव को समझाती है और बोलती है कि उसे एक लड़के के लिए अपने कैरियर को गिव अप नहीं करना चाहिए और उसे जरूर अमेरिका जाना चाहिए और अपनी ड्रीम लाइफ जीनी चाहिए। फिर सीन शिफ्ट होता है ओटिस पर, जिससे मिलने एरिक आया होता है। यहाँ एरिक ओटिस को बता देता है कि उसका और एडम का ब्रेकअप हो गया है। इतने में ही वहाँ ओटिस से मिलने मीव आ जाती है। जब ओटिस वहाँ आता है तो मीव उसे बताती है कि उसने अपना डिसीजन बदल लिया है अमेरिका जाने के लिए। यहाँ मीव ओटिस को बताती है कि उसे पैसे मिल गए हैं और वह अमेरिका जा रही है। यहाँ ओटिस मीव को पूछता है कि हमारे रिलेशनशिप का क्या होगा, जिसके जवाब में मीव बोलती है कि जब वो अमेरिका से वापस आएगी तब देखेंगे। यहाँ ओटिस मीव को गुड बाय बोलने के लिए बोलता है, पर यहाँ मीव उसे बोलती है गुड बाय ना बोले, पर उसके जगह वो फिर मिलेंगे बोल सकता है। यहाँ दोनों एक दूसरे के साथ और एक दूसरे को हग करते हैं। अब बस का टाइम हो गया था, इसलिए मीव को मजबूरन ओटिस को बाय बोलना पड़ता है। और यहाँ पूरा का पूरा सीजन 3 खत्म हो जाता है। अब बात आती है सीजन 4 में हमें मीव दिखाई जाएगी कि नहीं, पर मेरा जवाब यह है कि मीव के बिना ये सीरीज एक काइंड ऑफ अधूरी है। पर आपको इसके बारे में क्या लगता है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पर मेरे हिसाब से सीजन 4 भी जरूर आएगा और उसमें मीव भी जरूर होगी, एज उन्होंने एंडिंग पे ज्यादा टाइम नहीं दिया है और बहुत सी स्टोरीज अधूरी छोड़ दी हैं। जैसे कि सीजन 1 और सीजन 2 के एंडिंग में हमें सस्पेंस दिखाया गया था, अगर सीजन 3 में ओटिस और मीव एक साथ ना होते तो मे बी फैन सीजन 4 नहीं देखते और इस शो को बहुत ज्यादा हेट मिलती, इसलिए उन्होंने इस टाइप का सस्पेंस चुना है। पर अगर आपको और भी स्कूल ड्रामा कॉमेडी वेब सीरीज पसंद है तो मैं आपको एलिट रिकमेंड करूंगा, जो एक स्पेनिश वेब सीरीज है। इसकी एक्सप्लेनेशन भी मेरे चैनल पे मिल जाएगी, लेफ्ट वाले प्लेलिस्ट पे क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। पर उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हस्ता ला विस्ता।